उधर आरोप है कि पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए बीजेपी के एक नेता की मौत हो गई। जिनकी मौत हुई उनका नाम विजय सिंह बताया गया, जो जहानाबाद में बीजेपी के जिला महामंत्री थे। घटना तब हुई जब राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च निकाला। और आरोप है कि जैसे ही मार्च शहर के डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। आरोप है कि इस कार्रवाई के दौरान पुलिस के जवानों ने विजय सिंह को भी बुरी तरह मारा, जिसमें वो घायल हो गए। बाद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस की इस कार्रवाई में पार्टी के 20 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हो गए। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर विजय सिंह की मौत पर राज्य की नीतीश सरकार को घेरा। और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत पर नीतीश सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। बीजेपी का आरोप है कि विजय सिंह की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई थी। और आरोप लगाया कि राज्य सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन ने उनकी मौत की खबर कई घंटों तक छिपाए रखी। इससे पहले पटना जिला प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि विजय सिंह शहर के एक दूसरे इलाके में बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे मिले थे। उनके शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं थे। बाद में उन्हें इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जबकि बीजेपी के मुताबिक विजय सिंह प्रदर्शन में शामिल थे और उन्हें पुलिस ने बुरी तरह पीटा था। बाद में ये जानकारी सामने आई कि अस्पताल में भर्ती किए जाने के आधे घंटे बाद उनकी मौत हो गई थी। हालांकि विजय सिंह की मौत के बाद जिला प्रशासन प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के सीसीटीवी वीडियो खंगालने में जुट गया, ताकि मौत की सही वजह का पता चल सके। और नीतीश सरकार के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के हैरान कर देने वाले कई वीडियो सामने आए, जिन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे पुलिस हालात संभालने के लिए नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाने के लिए लाठी चला रही। क्योंकि आरोप है कि प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। ये पूरा बवाल तब हुआ जब राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी ने पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च निकाला। शहर के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश की गई और नहीं मानने पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के हैरान कर देने वाले कई वीडियो सामने आए, जिन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे पुलिस हालात संभालने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सबक सिखाने के लिए लाठी चला रही हो। हालात संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। और ये पूरा बवाल तब हुआ जब बीजेपी ने राज्य की नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरकार के खिलाफ मार्च निकालते हुए बीजेपी के कई बड़े नेता और सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा की तरफ आगे बढ़े, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर मार्च के पहुंचने के बाद वहां के हालात बिगड़ने लगे। क्योंकि पुलिस ने मार्च को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वहां पूरी तैयारी कर रखी थी। प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ सके इसके लिए पुलिस ने सड़क को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया। बाद में पुलिस ने मार्च में शामिल लोगों से पीछे हटने की अपील की। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बात नहीं मानी और कुछ पुलिस वालों से ही भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस के जवान एक्शन में आ गए। पटना का डाक बंगला चौराहा पूरी तरीके से ये कहा जाए तो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद वहां मानो भगदड़ मच गई। प्रदर्शन में शामिल लोग पुलिस की लाठी से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। एक तस्वीर में तो पुलिस के जवान भागते हुए लोगों पर लाठी बरसाते दिखे। इस बीच पटना में पुलिस के लाठीचार्ज की वजह से बीजेपी नेता की मौत के आरोप के बाद पार्टी ने राजभवन तक मार्च निकालने की घोषणा कर दी। पार्टी ने पूरे बिहार में ब्लैक डे मनाने का भी ऐलान किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके पार्टी के नेता विजय सिंह की मौत इसलिए हुई क्योंकि उन पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गई। यही नहीं, बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग तक कर डाली। और लाठीचार्ज के अगले ही दिन बीजेपी ने राजभवन तक मार्च निकालने की घोषणा कर दी, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि पटना में पुलिस की लाठियों की वजह से उसके नेता विजय कुमार की मौत हो गई, जिसका विरोध करने के लिए वो एक बार फिर सड़कों पर उतरेगी, क्योंकि पटना में उसके नेताओं पर बेरहमी से लाठियां चली। नित्यानंद राय ने तो इसके लिए सीधा तेजस्वी और नीतीश को जिम्मेदार ठहराया और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर डाली। यही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर उसे चिराग पासवान का भी साथ मिला और उन्होंने बीजेपी नेता विजय सिंह को श्रद्धांजलि दी। उधर बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत के बाद बिहार के जहानाबाद में उनके घर पर मातम पसर गया। उनकी पत्नी और बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। विजय सिंह जहानाबाद में पार्टी के महामंत्री थे। और जैसे ही विजय सिंह की मौत की खबर उनके घर पहुंची, वहां कोहराम मच गया। मातम का ऐसा माहौल पसरा कि कलेजा मुंह को आ जाए। विजय सिंह की पत्नी तो ये खबर सुनकर बेसुधी हो गई, जबकि उनकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विजय सिंह की मौत पटना पुलिस की लाठियों की वजह से हुई। इस बीच बीजेपी ने विजय सिंह के परिवार को 10 लाख रुपए की मदद देने और उनके परिवार को गोद लेने का ऐलान किया। वहीं बिहार विधानसभा में शिक्षकों की नियुक्ति के मुद्दे पर हुए हंगामे के बाद बीजेपी के दो विधायकों को मार्शलों ने सदन से बाहर कर दिया। ये एक्शन स्पीकर के कहने पर हुआ क्योंकि बीजेपी ने सदन के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया और सदन में हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर के आदेश पर मार्शल बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा और कुमार शैलेंद्र को जबरदस्ती सदन से बाहर लाए। जीवेश मिश्रा को तो मार्शलों ने हाथ और पैर से पकड़ा और उठाकर ले आए, जिसके बाद वो स्पीकर पर भड़क गए।
हर बात में मार्शल करेंगे, ये कौन सा तरीका है? ये तो बेईमान अध्यक्ष है। वहीं कुमार शैलेंद्र को भी मार्शल खींचते हुए बाहर लाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस खींचतान में उन्हें चोट लग गई। मेरा पैर चप्पल भी लोग फेंक दिया। विधायकों को बाहर निकाले जाने के बाद बीजेपी ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया।